हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर? जैसे नाम से ही क्लियर है, एसी को जनरेट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एसी जनरेटर कहलाता है। जो आपने देखा होगा हमारी डे टू डे लाइफ में, जो एसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करते हैं हम उसमें, कोई भी मैकेनिकल वर्क करके, जैसे हमारे एसी जनरेटर हम उसमें डीजल के थ्रू मैकेनिकल वर्क करके कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होती है, एसी उसमें प्रोड्यूस होती है। तो यही हमारी वर्किंग होती है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल होती है, जो कि हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस एक कॉइल मान ली है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करेंगे मैग्नेट के थ्रू। ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ टू साउथ यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये कॉइल का वन एंड जो है वो इस वाले रिंग से कनेक्ट है, और ये कॉइल का जो दूसरा एंड है वो इस वाले रिंग से कनेक्ट है। इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे टच होता हुआ वायर इनके ऊपर स्लिप करता हुआ रोटेट करता है। जब ये कॉइल घूमेगी तो ये जो एंड है ये भी इस पे क्या होंगे, रोटेट करते हुए घूमेंगे। इन स्लिप रिंग्स से कनेक्ट होते हैं हमारे दो वेशेस, जिनको हम बोलते हैं कार्बन वेशेस, ठीक। और इनके अलॉन्ग ये जो टर्मिनल है इनके अलॉन्ग हमें मिलती है ईएमएफ, मतलब एसी वोल्टेज हमको मिलती है, ठीक। तो अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव ईएमएफ हम यहां से लेते हैं, ठीक। मतलब आउटपुट हमें यहां से लेनी है। तो मेन यहां से वर्किंग क्या है इसकी, आपको इस कॉइल को क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना होता है किसी भी मैकेनिकल वर्क के थ्रू। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज हमने मान लिया हमारी जो कॉइल है पी क्यू आर एस किसी टाइम थोड़ा सा रोटेट कर देती है। अभी हम मान लें स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको याद रखनी है, नॉर्थ टू साउथ होती है, वो इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, ठीक। हम सपोज मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये जो कॉइल है थोड़ा सा रोटेट करती है। अब सपोज मान लीजिए, अगर मान लीजिए सिचुएशन थी और ये थोड़ा किसी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये थोड़ा रोटेट करती है ओमेगा से, मान लीजिए सपोज थीटा एंगल रोटेट करती है, ठीक। टी टाइम में मान लीजिए स्मॉल टी टाइम में ये क्या कर लेती है, थोड़ा सा रोटेट कर जाती है कॉइल। इतनी बात क्लियर है आपको? तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वो क्या होगी हमें, थीटा बाय टी। इस बात को आपको याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, थीटा बाय टी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू हम देख सकते हैं ओमेगा टी। तो इस बात को आपको याद रखना है, जो थीटा होगा वो क्या होगा, ओमेगा टी किसी पर्टिकुलर टाइम पर एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम ईएमएफ देखें इससे लिंक्ड कितना होगा, तो हम ईएमएफ निकालते हैं। देखिए हमको पता है, देखिए वर्किंग में आपको याद रखना है हमारा मेन वर्क कैसे करती है ये काम एसी जनरेटर। हमको पता है देखिए, जब ये कॉइल रोटेट करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम जानते हैं जब भी फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। वही ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो हम आउटपुट के थ्रू ले लेते हैं, उसी को हम एसी वोल्टेज बोलते हैं, क्लियर। तो ईएमएफ जनरेट होने के लिए हमें पता है फ्लक्स चेंज होता है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम इससे लिंक फ्लक्स माने, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, देखिए द फ्लक्स लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, the magnetic flux linked at particular time, at particular time t with coil pqrs। तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई, फाई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बी डॉट ए, या फिर हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। इस बात को आपको याद रखना है। या फिर फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस, और थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, किसी इंस्टेंट पर मतलब टाइम, ओमेगा टी, क्लियर। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम जानते हैं,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर सपोज हम मान लें कॉइल में कैपिटल एन टर्न है, इसमें जो टर्न है हम मान लें ये जो कॉइल है हमारी, इसमें टर्न जो है हमारे वो कितने हैं कैपिटल एन, कई सारे टर्न हैं देखिए इसमें, हम मान के चल रहे हैं इसमें टर्न कितने हमारे कैपिटल एन है, तो अगर इसमें सपोज मान लेते हैं हम कैपिटल एन टर्न है देन इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाए, वैसे होता है डी फाई बाई डी टी माइनस का, लेकिन एन टर्न है तो क्या हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी, तो इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में होगा ड्यू टू द रोटेशन वो क्या होगा ई इजिकल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, दैट मीन्स डी बाई डी टी, और फाई की हम वैल्यू पुट कर देते हैं बी ए कॉस थीटा, फाई यहाँ क्या होता है याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू, याद रखिए है क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ क्या देखिए बी ए कॉस थीटा, या थीटा मतलब ओमेगा टी, तो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन बी, देखिए टी का फंक्शन कौन है यहाँ केवल ओमेगा टी, तो बी और ए हम कॉमन ले लेते हैं, बी ए और डी ए बाई डी टी, यहाँ सीधे क्या कॉस का आप क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए बी ए कॉमन हो गया और कॉस ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन आप जब करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ओमेगा टी, अब ये देखिए फंक्शन का फंक्शन है तो कॉस का हो गया, अब ओमेगा टी का आप अगेन करेंगे तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा और टी का वन, क्लियर, तो ये आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए हम कैसे करते हैं, अगर फंक्शन का फंक्शन अगर जैसे केवल कॉस एक्स होता है तो हम केवल लिख देते हैं कॉस का क्या माइनस साइन एक्स, लेकिन इसके साथ अगर कुछ और चीज लगी हुई है तो हम पहले तो कॉस का मतलब फंक्शन का करते हैं, जैसे ही हमने कॉस का किया तो कितना माइनस साइन, और ओमेगा टी का आप अगेन करेंगे तो ओमेगा टी का क्या ओमेगा हो जाएगा और टी का वन, तो ये हो गया, यहां से देखिए हम इसको ले सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा एन बी ए ओमेगा और माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ईएमएफ ई इक्वल टू माइन नवाब करके एन ओमेगा ए, इसको डब्ल्यू मान लीजिए, वैसे क्या है ये ओमेगा है एन वी ए बी, यहां नवाब बन गया नवाब साइन ओमेगा टी, ऐसे आप याद रख लीजिए फॉर्मूला, तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, ये जो वैल्यू है हमारी देखिए साइनोसॉइडल फॉर्म में साइन का फंक्शन है यहां पे देखिए, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो यहां से ई इक्वल टू हम देख सकते हैं क्या ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जनरल फॉर्म है हमारी किसकी एसी की, एसी वोल्टेज की, तो आप याद रखिए, और ई नॉट यहां पे क्या है एन वी एन डब्ल्यू ए एन ओमेगा ए बी, आप इसे W की तरह ट्रीट कीजिए, वैसे है क्या ओमेगा बस याद रखने के लिए, तो N ओमेगा A B, ये हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर EMF या फिर इसी को हम क्या बोल देते पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, क्लियर, अब यहां से आप देखिए ये टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा देखिए टाइम चेंज होगा वैसे वैसे साइन भी क्या होगा साइन की वैल्यू चेंज होगी, तो ये जो हमारा ईएमएफ है जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो हमारा किस फॉर्म में साइनोसॉइडल फॉर्म में, ठीक, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, अब हम इसको हम समझते हैं, देखिए ओमेगा टी याद रखिए है क्या यहाँ थीटा ही है, ओमेगा टी क्या है थीटा है, इस बात को आपको याद रखना है, और थीटा है किस किस के बीच का एंगल ये भी आपको याद रखना है बी का और एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोल रहे हैं या फिर ओमेगा टी भी हम बोल सकते हैं इसको, तो यहां से समझते हैं, देखिए आप खुद सोचिए जब यहां से ये देखिए क्या है
अगर साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस वन हो सकती है मैक्सिमम और माइनस वन हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, वो भी हमारा क्या हो सकता है, प्लस का ई नॉट और माइनस का ई नॉट, और टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज भी होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी दो हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, एक प्लस का ई नॉट जब प्लस वन होगी, ठीक है, जब साइन कितना होगा हमारा, साइन ओमेगा टी कितना हो, प्लस वन होगा, और माइनस का ई नॉट होगी जब हमारा साइन ओमेगा टी कितना होगा, माइनस का वन होगा। क्लियर, ये कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 पर, और ये कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 270 पर। क्लियर, तो यहां से देखिए इसका फंक्शन हम समझते हैं, जैसे कि यहां दिखाया गया, देखिए सपोज मान लीजिए अभी ये हम इसको इनिशियल कंडीशन ये वाली मान रहे हैं इस तरीके से, P Q R S इस तरीके से। इस केस में अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर आपको पता होने चाहिए, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हैं हम, एरिया जो होता है सरफेस होता है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्लियर, तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप इस डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करिए, और नॉर्थ टू साउथ क्या है, इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों इस केस में कितने हैं, सेम डायरेक्शन में, अगर थीटा कितना है, जीरो। जब थीटा जीरो है मतलब ओमेगा टी कितना है यहाँ से, जीरो। तो ओमेगा टी जब हमारा जीरो है, तो अभी हमने देखी जनरल फॉर्म लिखी थी, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आया ई इज इक्वल टू कितना आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा टी अगर जीरो है या फिर थीटा जीरो है, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो वोल्टेज हमारा कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर, अब हमने मान लिया रोटेट कर गए, जैसे कि आर एस वाला जो लेंथ है वो देखिए इधर आ गई क्लॉक वाइज, सपोज मान लीजिए इस तरीके से ये रोटेट कर गया, तो आर एस वाला देखिए इधर आ गया, और जो हमारी ये पी क्यू जो हमने ग्रीन हाईलाइट किया है वो इस तरीके से इधर हो गया, ठीक है, मतलब 90 डिग्री एंगल ये मूव कर गया। अब इस केस में थीटा कितना होगा, देखिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में थीटा कितना होगा 90, और जैसे ही थीटा 90 हुआ मतलब ओमेगा टी हमारा कितना हुआ 90, ओमेगा टी हमारा कितना हो गया 90, जैसे कि यहां दिखाया ओमेगा टी 90, ओमेगा टी 90, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये देखिए पीक वैल्यू हो गई। अगेन जब ये रोटेट करेगा, देखिए जो आर एस वाला था यहाँ पे वो नीचे आ गया, मतलब 180 घूम गया, पहले ऐसी थी सिचुएशन, देखिए आर एस ऐसा था और यह बिल्कुल नीचे आ गया, मतलब 180 घूम गया, 180 पे अगेन साइन 180 कितना होता है जीरो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगेन ये 90 घूम गया, मतलब 270 घूम गया इनिशियल पोजिशन से, जब 270 घूम जाएगा तो ये माइनस ई नॉट हो जाएगा, मतलब माइनस की वोल्टेज आएगी। तो देखिए क्या साइनोसॉइडल में हो रहा है, अगर ये 360 घूम गया तो ये वही जो इनिशियल सिचुएशन थी वही सिचुएशन आ जाएगी। देखिए आर एस ऊपर था, आर एस क्या आ गया, ऊपर ही आ गया, ठीक, मतलब ये इनिशियल पोजिशन पे आ गया, तो 360 में अगेन कितना हो जाएगा ई एम एफ जीरो। तो इसी फॉर्म में ये तो एक पीवीएस साइकिल के लिए हमने ड्रॉ कर दिया एसी वोल्टेज, अगेन ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक, तो ये ऐसे बिल्कुल चलता रहेगा, तो ये आपको याद रखना है ऐसे ही। आप टाइम पीरियड याद रखिए जीरो पे जीरो, यहाँ कितना टी वाई फोर, ये पूरा साइकिल है हमारा, यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा कैपिटल टी पूरी साइकिल के लिए, ये आपने ऑसिलेशन में पढ़ा होगा। तो आपको मेन यही प्रूफ करना था, नवाब साइन थीटा याद रखिएगा, यहाँ डब्ल्यू नहीं है क्या, ओमेगा, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।